रामनगर में नीलांबर कौशिक ने अपनी पुस्तक का किया विमोचन। आपको बता दें कि रामनगर में आज प्रसिद्ध साहित्यकार नीलांबर कौशिक ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर लिखी अपनी पुस्तक रोह कॉर्बेट राज्य जंगल का किया विमोचन। इसको बता दें कि अपनी किताब में कॉर्बेट के जीव जंतुओं, वन प्राणियों, पक्षियों के बारे में विस्तार से बताया है। रूह कॉर्बेट की राज जंगल के एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल कॉर्बेट के जंगलों के विषय में जानकारी देती है बल्कि टाइगर के विषय में भी कुछ रोचक जानकारी प्रस्तुत करती है। कॉर्बेट के जंगल मात्र टाइगर के दर्शन नहीं कराते बल्कि उनके प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत नजारा प्रस्तुत करते हैं। यह पुस्तक इतने अत्यंत आंखों देखी दृष्टि से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती है कि एक अन्य विषय है जो कहीं यंत्र किसी पुस्तक में नहीं मिलता है, वह है राज जंगल के। यह राज्य क्या है यह पुस्तक बयान करती है जंगल के छल के रूप में। हालांकि अनेक अंग्रेज समीक्षकों ने इसे अंधविश्वास माना है, कॉर्बेट ने इसे किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। अतः यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से अलग है। इस अवसर पर उसके साथ उत्तर प्रदेश के दर्जनों साहित्यकार उपस्थित रहे। कॉर्बेट एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज होते हुए भी भारतवर्ष से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने माय इंडिया एक किताब लिखी है जिसके माध्यम से उन्होंने भारतवर्ष के लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया कि ये जो पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं उसमें सबसे अच्छे यहाँ के लोग बसते हैं, गरीब हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। कॉर्बेट की किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये अंग्रेजी में किताब है तो इसमें कुछ हमें हिंदी में अपना योगदान देना चाहिए। तो उस किताब को मैंने लिखा और मैं जंगल में विचरण किया। मेरा पुत्र रत्नाम्बर मुझे लेके जंगल में आया तो जब इसने कहा कि आप कहाँ जाएंगे बीमारी के बाद, तो मैंने कहा कॉर्बेट चलो। तो कॉर्बेट हम जब गए तो वहाँ की जो सुंदरता और जो वैभव देखा मैंने, प्राकृतिक वैभव, उसे देखकर मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने उसको फिर किताब के रूप में पढ़ लिया।